नाव पर सवार ये लोग 70 के दशक में होते तो बम्बैया फिल्मकार फिल्मी पर्दे पर उतार कर पैसे और वाहवाही लूट रहे होते। लेकिन यह तस्वीर 2021 की है, जब हर आयु वर्ग के लोग इस बार में नाव से सफर करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी आश्चर्य होगा कि यह क्षेत्र बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी ना तो सरकार को इनकी सुध है और ना ही विपक्ष के नेता को। हाँ, लेकिन जब बाढ़ से पूरा क्षेत्र डूब जाएगा तो नेता बाढ़ का दौरा करने जरूर जाएंगे, दूर से हाथ हिलाएंगे, कुछ पैसे थमाएंगे और पीछे जनता को पानी में यूं ही छोड़ जाएंगे। लोगों की माने तो इस क्षेत्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वाली बहार माता है, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बराती लेकर नहीं जाऊंगा, लड़का भागने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा शादी करने, ये दरिया पार के कौन कर जाएगा। अब बताइए उस परिस्थिति में क्या होगी राघोपुर की हाल, क्या बेटी बहू मेरी कुमार रह जाएगी, बेटा बेटी कुमार रहेंगे, ऐसे। पटना शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर कच्ची दरगाह से राघोपुर लोग साल में 4 महीने कम से कम नाव पर ही निर्भर रहते हैं। वैसे तो यहाँ पीपा पुल बनाया गया है, लेकिन गंगा में उफान आते ही पीपा पुल को हटा दिया जाता है। उसके बाद इस पार से उस पार गंगा नदी में जाने का एकमात्र साधन बसता है, वह है नाव। नाव पर ट्रैक्टर, नाव पर कार, मोटरसाइकिल और सैकड़ों की संख्या में नाव पर लोग जान जोखिम में डाल कर जाते हैं। दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन इस इलाके के लोगों का यातायात का माध्यम नहीं बदला है। आज भी हर दिन हजारों लोग इस नाव के सहारे ही पटना आते हैं और राघोपुर जाते हैं। यह वही राघोपुर इलाका है जिस जगह आरजेडी पार्टी के दिग्गज नेता लालू यादव, राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस इलाके के लोगों का भाग्य अभी तक बदला नहीं है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला लाइफलाइन पीपा पुल का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। राजधानी पटना के सभी पीपा पुल खुल गए हैं। राघोपुर की लाखों जनता की एकमात्र सवारी अब 4 महीने नाव हुई है। इसी नाव से उफनती तेज गंगा की धारा को पार करते हुए गंगा पार करेंगे हर दिन हजारों लोग। सीमित नाव होने के कारण क्षमता से ज्यादा लोग इस नाव में बैठकर सफर करते हैं। इस क्षेत्र की जनता इसके लिए सरकार की उदासीनता और नेताओं को जिम्मेदार मानती है। अब बताइए कि उस परिस्थिति में रात में आप नाव बंद कर दीजिएगा, रास्ता तो यही है ना भैया, नाव आप बंद कर देंगे रात में इमरजेंसी आएंगे कैसे होगा, इसका निदान तो प्रशासन को भी ढूंढना होगा ना। अब आप खुद ही सोचिए, बिहार में विपक्ष के नेता के क्षेत्र का यह हाल है तो बाकी क्षेत्र जहां नदियां बरसात में विकराल रूप ले लेती है उनका क्या होगा। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।